नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 2 साइंटिस्ट एंड इन्वेंशंस पार्ट 2। सो इन द लास्ट प्रीवियस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में क्या आया था? पार्ट 1 फेमस इंडियन साइंटिस्ट, राइट? सो कौन कौन से इंडियन साइंटिस्ट के नाम थे? हियर यू कैन सी दैट विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, आर्यभट्ट एंड चंद्रशेखर। ओके, इन एक्टिविटी 2 फॉलोइंग पिक्चर, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, यानी कि जो नीचे दिए गए हैं वो पिक्चर ऑब्जर्व करके उनके बारे में लिखना था, राइट? तो यू कैन सी दैट 3 पिक्चर्स ऑफ साइंटिस्ट, राइट? सी वी रामन, होमी भाभा एंड विक्रम साराभाई, राइट? सो इन द लास्ट प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2। सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू लर्न एक्टिविटी 3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट इन योर इंग्लिश फेयर बुक, सॉरी इंग्लिश टेक्स्ट बुक। मैं आपको एक बार इंग्लिश टेक्स्ट बुक दिखा देती हूँ। यस, दिस इज अवर बुक एंड ऑन पेज नंबर 11 एक्टिविटी 3 यू कैन सी दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट? नंबर 1, लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी 3 साइंटिस्ट। किसी भी 3 साइंटिस्ट के नाम देने, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, यूनिट 2 साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन। तो साइंटिस्ट का चैप्टर है तो साइंटिस्ट के नाम तो आने ही चाहिए ना, राइट? सो हियर यू कैन राइट, जो 3 हमने फोटो दिए गए हैं वो भी आप लिख सकते हो, सीवी रामन, होमी भाभा एंड विक्रम साराभाई। आपको दूसरे आते हैं तो दूसरे भी लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा है, मैं रीड करती हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम, आर्यभट्ट एंड सीवी रामन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू साइंटिस्ट डू? साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू थिंग एंड रिसर्च हाउ थिंग वर्क। वो न्यू थिंग, नई नई थिंग को डिस्कवर करते हैं और ये रिसर्च करते हैं कि ये सब कैसे चलेगा। ओके, सो ये आंसर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरी तरीके से मैं बताती हूँ, साइंटिस्ट स्टडी थिंग्स अराउंड हेम एंड डिस्कवर और इवेंट न्यू थिंग्स। 2 आंसर हुए, एक शॉर्टली मैंने पहले बताया, अभी थोड़ा ब्रीफली बताती हूँ। ओके, फिर से एक बार रीड करती हूँ, साइंटिस्ट स्टडी थिंग्स अराउंड देम एंड डिस्कवर और इवेंट न्यू थिंग्स। ओके, नंबर 3, फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स क्यूरियोसिटी एंड डिस्कवरी। क्यूरियोसिटी और डिस्कवरी के मीनिंग फाइंड आउट करना है। सो हियर यू कैन सी दैट डिस्कवरी मीन्स इंटरेस्ट, राइट? एंड नंबर 2, सॉरी नंबर 1 क्यूरियोसिटी मीन्स इंटरेस्ट एंड डिस्कवरी मीन्स समथिंग दैट इज फाउंड आउट। जो हमें ढूंढना है, जो हमें मिल चुका है, राइट? इट मीन्स डिस्कवरी। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट 3 क्वेश्चन आंसर हैव कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट 1 इज रीड मोर, यानी एक पैराग्राफ दिया गया है जो हमें रीड करना है। ओके, हियर यू कैन सी दैट 2 पैराग्राफ ऑफ कंप्यूटर, रीड मोर। इन द फर्स्ट पैराग्राफ, वो इन्वेंटेड द कंप्यूटर। कंप्यूटर का इन्वेंट किसने किया? इट इज नॉट अ क्वेश्चन विथ अ सिंपल आंसर, राइट? ये क्वेश्चन कोई सिंपल आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ द रियल आंसर इज दैट मैनी इन्वेंटर्स कंट्रीब्यूटेड टू द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत सारे ऐसे इन्वेंटर्स थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कंप्यूटर पे हिस्ट्री बनाई है, राइट?
In the second paragraph, a computer is a complex piece of machinery made of many parts. ये जो कंप्यूटर है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पीस है, राइट? इसमें बहुत ज़्यादा मशीनरी आती है. ओके, ईच ऑफ विच कैन बी कंसिडर्ड अ सेपरेट इन्वेंशन. और इस सारे पार्ट्स को अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाया है, राइट? सो हियर ये पैराग्राफ हमारा ऐसे ही कंप्लीट होता है. आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी 3, वी विल गोइंग टू लर्न एक्टिविटी 4. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड डिस्कस इन ग्रुप्स. ये पिक्चर्स देखो और अपने ग्रुप में डिस्कस करो. फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द पिक्चर. पिक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी है, वो हमें सॉल्व करने होंगे, राइट? सो हियर यू कैन सी द पिक्चर इन अवर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 12. फर्स्ट मैन जो बोल रहा है उसके ऊपर क्लाउड है, राइट? उसके अंदर वो क्या बोल रहा है वो लिखा है, डोंट पुट द कोट ऑन द स्नोमैन, इट विल मेल्ट हिम. ये जो कोट है वो स्नोमैन को नहीं पहनाओ, उससे उसकी बर्फ पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन होगा, व्हाट इज स्नोमैन? स्नोमैन क्या है? Yes, you can see in the picture. आप पिक्चर में देख सकते हो बर्फ का बना हुआ एक इंसान जो हमारी तरह दिखता है, राइट? A snowman is made of snow. जिसके हाथ में कोट है वो क्या बोल रहा है? I think it will keep him cold. मुझे ऐसा लगता है कि ये उसे ठंडा रखेगा. And stop him from melting. और उसे मेल्ट होने में स्टॉप कर देगा. थर्ड वन इज सेइंग, आई डोंट थिंक द कोट विल मेक एनी डिफरेंस. मुझे नहीं लगता कि इस कोट से कुछ भी फर्क पड़ने वाला है, राइट? जो जैसा ही स्नोमैन दिख रहा है वो वैसा ही रहेगा, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट सम क्वेश्चंस गिवन इन टेक्स्ट बुक. फर्स्ट वन इज, आर द चिल्ड्रन क्यूरियस? क्या ये सारे चिल्ड्रन इंटरेस्टेड है? सो यस, द आंसर इज यस. दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स यू से सो? ऐसा क्या हुआ जो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये तीनों लड़के इंटरेस्टेड है? सो द आंसर इज यस, द चिल्ड्रन आर क्यूरियस बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑफ वेज टू स्टॉप द स्नोमैन फॉर मेल्टिंग. उन्होंने एटलीस्ट ये सब थिंक तो किया, ये सब सोचा तो सही, इसलिए वो ये बर्फ पिघलने ना देने में इंटरेस्टेड है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द बॉय होल्डिंग द जैकेट? एक बच्चे ने जैकेट क्यों पकड़ के रखा है? सो द आंसर इज, द बॉय इज होल्डिंग द जैकेट टू स्टॉप द स्नोमैन फ्रॉम मेल्टिंग. स्नोमैन मेल्ट ना हो जाए इसलिए वो उसे जैकेट पहनाना चाहता है, राइट? नंबर 3, व्हाट इज अ स्नोमैन? अ स्नोमैन इज मेड ऑफ स्नो. स्नो से बना है इसलिए हम उसे स्नोमैन कहते हैं, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट एक्टिविटी 4 हैड कंप्लीटेड. नाउ लेट्स लर्न मोर अबाउट साइंटिस्ट एंड डिस्कवरीज. हमें स्टोरी दी गई है. कौन सी स्टोरी? जो पार्ट 1 हमने आगे देखा था ना, राइट? ये पार्ट 2 आता है. ओके, सो फर्स्ट वन आई रीड द पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट आर्किमिडीज वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट. एक ग्रीक साइंटिस्ट था, उसका नाम था आर्किमिडीज, राइट? ही लिव्ड इन सिराक्यूज. वो सिराक्यूज में रहता था. 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले की बात है. द किंग ऑफ द लैंड वॉन्टेड टू वियर अ गोल्डन क्राउन. एक राजा था जो सोने का ताज, जो मुकुट होता है ना, वो पहनना चाहता था, उसे वो चाहिए था. He gave some gold to a goldsmith to make a suitable crown.
उन्होंने थोड़ा सोना गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, या सो हियर यू कैन सी दैट ऑन द बोर्ड, गोल्ड स्मिथ का मीनिंग होगा अ पर्सन हु मेक्स ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, हमें जो सोने की ज्वेलरी बना देता है उसे हम गोल्ड स्मिथ कहेंगे, राइट। तो उसको थोड़ा सोना दिया उसका मुकुट बनाने के लिए, राइट। आफ्टर अ फ्यू डेज, थोड़े दिनों के बाद द गोल्ड स्मिथ कम द क्राउन टू द किंग, थोड़े दिनों के बाद उसका वो मुकुट बन गया। द क्राउन वॉज वेटेड, उसका वजन किया कितने वेट का है, द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन टू द गोल्ड स्मिथ बाय द किंग, वो उतने ही वॉल्यूम का निकला, उतने ही वेट का निकला जितना वेट का सोना उसे दिया गया था, सेम टू सेम इक्वल वेट निकला। द किंग लुक्ड एट द कलर ऑफ द क्राउन, वो राजा उस क्राउन को ऐसे देख रहा था कि कलर तो बराबर है, सोने का ही लग रहा है। He suspected that the goldsmith had stolen some gold. उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो गोल्ड स्मिथ है ना, उसने मेरा थोड़ा सा सोना उसमें से निकाल दिया है। अभी आपको पता है कि सोना कितना महंगा है, राइट। हम अगर उसकी एक बूंद उसमें से निकाल ले तो भी हम पैसे वाले बन जाते हैं, पता तो नहीं चलता कि इसमें से निकाला गया है या नहीं निकाला गया है, हाँ वेट से पता चलता है। लेकिन राजा को डाउट है, सस्पेक्टेड यानी उसको शक है, ओके। बट द किंग वॉज नॉट श्योर, लेकिन वो श्योर भी नहीं था। द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आउट ट्रूथ, उसे सच का पता लगाना था। ही आस्क्ड हिज कोर्ट साइंटिस्ट आर्किमिडीज टू फाइंड आउट, उसने आर्किमिडीज को बोला कि तुम मुझे ये ढूंढ के दिखाओ कि इसने सोना चोरी किया है या नहीं किया है। द किंग सेड फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज बीन स्टोलन, राजा ने पहला क्वेश्चन क्या किया कि ये फाइंड आउट करो कि इसमें से कितना सोना इसने निकाला है, हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ, और ये ट्रूथ कैसे पता लगाना है वो भी मुझे नहीं पता, ये सब तुझे ही करना है, ओके। आर्किमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, वो दिन रात सोचता रहा। वन डे ही वॉज अबाउट टू हैव हिज बाथ, वो नहाने गया, बट ही वॉज बिजी थिंकिंग, नहाने में ध्यान नहीं था लेकिन सोचने में ध्यान था कि अब मैं क्या करूंगा, राइट। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ आर्किमिडीज, राइट, आप ये पिक्चर देख सकते हो, राइट। ये पिक्चर आपकी टेक्स्ट बुक में भी है ना, सबकी टेक्स्ट बुक में ये पिक्चर है कि कैसे वो बात टब में स्नान कर रहा था। He did not notice the bathtub. उसने bathtub नोटिस नहीं किया। The water in the bathtub was already full to brim. पूरा का पूरा bathtub भर गया, छलो छल जिसको हम बोलते हैं ना, पूरा का पूरा भर गया। He slid into the bathtub. Immediately the large quantity of water flowed over the brim of the bathtub. बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। Suddenly, अचानक से क्या हुआ? There was a flash in his mind. उसके दिमाग में लाइट हुई, फ्लैश यानी कि उसको आइडिया आया। He jumped out the bathtub shouting, "Eureka! Eureka! Eureka!" In green means I have found it. मुझे रास्ता मिल गया है, मुझे आइडिया मिल गया है कि इस क्राउन को कैसे सबके सामने इनकी इंफॉर्मेशन बाहर लाऊं। Thus, he was found that different metal of same weight have different volume. इस प्रकार ये पाया गया कि एक ही वेट की अलग अलग धातु होती है, जो अलग अलग मतलब ऐसे क्राउन है, हथौड़ी है, कुछ भी है, उसको अगर हम पानी में डालते हैं ना तो सेम वेट उतना पानी बाहर निकलता है, इसने ये फाइंड आउट करे। ऑब्जेक्ट्स पुट इन वॉटर विल डिस्प्लेस वॉटर, अगर कोई चीज हम पानी में डालते हैं, राइट, तो उतना पानी बाहर निकलता है, ओके। देन डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम, और पानी उतना बाहर निकल जाता है जितना
completed ये activity. पानी जितना बाहर निकलता है ये activity हम Zoom class में जरूर करेंगे. Right? So here you can see that activity for head. So and also unit 2 scientist and inventions part 2 head completed. Thank you for joining us.